तो ये ना इंसाफी है यहाँ के गरीब आवाम जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ना इंसाफी है पहले सियासी तौर तो इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जो हमारे हुकूक थे उनको छीन लिए वो और वो हुकूक जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे उनके लिए हमें लड़ना चाहिए और जिस तरीके से छीने गए आज इन्हीं पांच अगस्त को उससे पहले भी हम चाहेंगे कि वो जो नाइंसाफी है उसे रिड्रेस किया जाए हमारे साथ इंसाफ किया जाए जहां तक बिजली का ताल्लुक है हम चाहते हैं पंजाब में आप बिजली फ्री दे रहे दिल्ली में आप बिजली फ्री दे रहे और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे विंटर्स में क्या बुरा हाल होता है और अनशेड्यूल कट तब भी होते हैं अब लोगों को राहत मिलती थी समर्स में लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि यहां के आवाम के साथ किस तरीके से नानसाफी हो रही है किस तरीके से यहां पर बिजली जो है नायाब है लोग जो है चाहे बिजनेसमैन हो आम लोग है स्टूडेंट्स है सारे लोग सफर कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आ, ये भी जो भी जिस तरीके से बाकी रियासतों में फ्री बिजली दी जाती है हम भी चाहेंगे 500-600 यूनिट हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम को भी दिया, दिया जाए क्योंकि हम जो है हमने यहाँ पर ये यह बिजली जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ये यह बिजली जाती है और नॉर्थन ग्रिड में चली जाती है हमारा इस पर हक हाँ बनता है और हमें पाँच सौ यूनिट यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और ये जब तक ये ना मिले तब तक सरकार को ये स्मार्ट मीटर्स ये जो जिस तरीके से फ्लैट रेट्स गरीबों के बढ़ा दिए उसे उस पर रोक लगनी चाहिए ये हमारा एक जायज़ मुता है। बाकी हम यही समझते हैं कि हमारे साथ जिस तरीके से अभी बिजली भी का यहाँ पर निजाम है मैं यही समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ये जाती है ना इंसाफी है लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार इसे सुने और जो जेन्यन हमारी डिमांड आवाम की है अवाम की उसे रिड्रस किया जाए तो,